आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादातर दिखाई दे रही है। आप अपने आसपास देखेंगे तो ये जानेंगे कि हर 10 में से एक महिला इस थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको किस प्रकार की डाइट रखनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन्हीं सब के बारे में मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी लोग थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज से 25 से 30 साल पहले थायराइड की बीमारी के बारे में काफ़ी कम लोग जानते थे, लेकिन ये आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने खाने के अंदर, अपने डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड तथा पैकेट फूड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं। आइए जानते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड और पैकेट फूड क्या होते हैं। जो भी हम मार्केट से जो पैकेट वाले फूड खाते हैं, जिन्हें हम अपने घर की रसोई में नहीं बनाते हैं, जो हमें मार्केट से मिलता है, जैसे आप नमकीन का पैकेट लेते हैं, आप बिस्किट का पैकेट लेते हैं, आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आप मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ये सब जो आइटम आते हैं ये प्रोसेस्ड और पैकेट फूड के अंदर आते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करने से आपका वजन बढ़ता है और आपके वजन बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो आपका थायराइड की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। दोस्तों, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो सबसे स्वादिष्ट चीज़ होती है, जो सबसे स्वादिष्ट डाइट होती है, उसी को थायराइड की प्रॉब्लम में नहीं खाने की सलाह दी जाती है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाएगी। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, जिससे आप अपने बीमारी को ग्रेट के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसे अपना कर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो आपके थायराइड हार्मोन का निर्माण काफ़ी कम करती है, जिसकी वजह से आपका शरीर काफ़ी मोटा होने लगता है। तो अगर इस प्रकार की बीमारी आप में है तो आपको क्या नहीं खाना है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको किसी भी प्रकार की गोभी नहीं खानी है, आपको फूल गोभी नहीं खानी है, आपको गांठ गोभी नहीं खानी है, आपको पत्ता गोभी नहीं खानी है और आपको शलजम नहीं खाना है। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो आपको सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो आपको चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सफ़ेद चावल और सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल काफ़ी कम करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप कलेजी खाते हैं, आप गुर्दा खाते हैं, इसका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इसको आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, कई लोग ये पूछते हैं कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो मुझे क्या क्या खाना चाहिए, तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसका जो एक मेन कारण होता है वो होता है कि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होना। अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो आपको ये हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आप जो भी नमक का इस्तेमाल करते हैं आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा सफिशियंट हो, यानी कि वो आयोडाइज नमक हो। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे के अंदर जो पीला पार्ट होता है उसको खाने से भी आपके शरीर के अंदर आयोडीन की जो कमी होती है वो भी पूरी हो सकती है। आप मछली खा सकते हैं, आप झींगा खा सकते हैं, कुछ ऐसे जली पौधे होते हैं उनका भी इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको किन प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जैतून का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको नारियल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने के कारण आपके शरीर के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति है वो धीरे धीरे मेंटेन होने लगी। आइए अब जानते हैं आप मसालों में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों के अंदर आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, केला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता तथा कीवी का भी इस्तेमाल करने से आपके शरीर के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। सब्जियों के अंदर आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, कद्दू, इन सब सभी सब्जियों का इस्तेमाल आप खाने में कर सकते हैं। सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से जो आपके शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन बनाने की जो ग्रंथि होती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसको ये हार्मोन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को काफ़ी अच्छा वर्क करने में मदद करते हैं, जैसे कि मैग्नीज होता है, सेलेनियम होता है। ये दोनों जो मिनरल्स होते हैं ये काजू में, बादाम में, अखरोट में, इन सब में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर मैग्नीज आएगा, सेलेनियम आएगा, जो आपके थायराइड ग्लैंड को काम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और आपके शरीर के अंदर जो थायराइड की प्रॉब्लम होने की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो आप लौकी का जूस पी सकते हैं, आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप धनिया के बीज का पानी पी सकते हैं, आप आंवला का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी डाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने से आपके शरीर के अंदर जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर आप थायराइड की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो इस डाइट का इस्तेमाल करके भी आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सुबह उठते हैं तो आपको 6 से 7 के बीच में खाली पेट आपको एक गिलास लौकी का जूस पी लेना है। अगर आप लौकी का जूस पसंद नहीं करते हैं तो आप एक गिलास आंवले का जूस भी पी सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ते को स्किप कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, और वजन नहीं बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर थायराइड प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नाश्ते को स्किप करेंगे तो जो जरूरी एनर्जी होती है, जो आप दिन की शुरुआत करते हैं और आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके शरीर को जो एडिक्वेट एनर्जी चाहिए होती है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती है। तो आपको नाश्ता जरूर करना है। आइए जानते हैं आपको नाश्ता कब करना है। 9 से 10 का जो टाइमिंग होता है उसमें आपको नाश्ता कर लेना है। इसके अंदर आप ओट्स बना खा सकते हैं। जो आप ओट्स बनाएंगे उसको आपको मीठा नहीं बनाना है, उसको आपको नमकीन स्वाद में आपको ओट्स बनाना है। अगर आप ओट्स खाना पसंद नहीं करते तो जितने भी फल मैंने आप लोगों को बताया है उसको आप कट करके एक बाउल में लेके उसका नाश्ता कर सकते हैं। साथ में आप स्मूदी बना के भी पी सकते हैं। आइए जानते हैं स्मूदी कैसे बनाएंगे। आपको केला ले लेना है और थोड़ा सेब ले लेना है, उसको अच्छी तरह मिक्सर में आपको मिक्स कर लेना है, और उसके अंदर आप अखरोट मिला सकते हैं, आप उसके अंदर बादाम मिला सकते हैं, आप उसके अंदर काजू मिला सकते हैं। इसको मिला के आप अच्छी तरह एक गिलास में ले लें। इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो मैंगनीज और सेलियम की वजह से जो आपके शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता है। इसके पीने के बाद वो सही तरीके से कार्य करने लगेगा। दोस्तों थायराइड की डाइट के अंदर का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों आपको लगभग 11 बजे कई सारी ऐसे थायराइड की ड्रिंक है उसको आपको बना के पी लेना है। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आपको नींबू मिला लेना है, अदरक मिला लेना है और थोड़ा सा शहद मिला लेना है। इन सबको आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है और आपको इसको पी लेना है। ये होती है आपकी थायराइड ड्रिंक। एक थायराइड की ड्रिंक और होती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको खीरा ले लेना है, धनिया ले लेना है, इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है और स्वाद के अनुसार आपको इसको थोड़ा सा नमक मिलाना है और थोड़ा सा अदरक मिलाना है। इसको भी आपको लगभग 11 बजे इसको पी लेना है। अगर ये दोनों ड्रिंक आपको पसंद नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि आपको सेब ले लेना है, गाजर ले लेना है, उसको अच्छी तरीके से आपको जूस बना लेना है, उसके अंदर एक नींबू मिला लेना है। इसको भी आप थायराइड की ड्रिंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लगभग 1 से 2 बजे के बीच में आप लोगों को लंच कर लेना है। आप लंच के अंदर अगर सफ़ेद चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको काफ़ी कम लेना है, या तो आप उसकी जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कटोरी कोई भी दाल ले सकते हैं, एक कटोरी आप जो सब्जी लेंगे उसके अंदर आप गाजर की सब्जी ले सकते हैं, मेथी की सब्जी ले सकते हैं, पालक की सब्जी ले सकते हैं तथा कद्दू की सब्जी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप लंच में एक कटोरी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो दही होती है वो आपके स्किम्ड मिल्क का बना होना चाहिए। स्किम मिल्क वह होता है कि जो आपका दूध होता है उसके अंदर से फैट निकाल लिया जाता है, मलाई निकाल ली जाती है, उसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। आपको रोटी का इस्तेमाल करना है तो आप गेहूं की रोटी की जगह आप बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजरे की जो रोटी होती है वो आपके थायराइड को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों दोपहर के लंच तथा डिनर से पहले आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हल्दी का चाय भी पी सकते हैं। यानी कि हल्दी की चाय बनाने का तरीका ये है कि जो भी आपकी कच्ची हल्दी होती है उसको अच्छी तरह गुनगुने पानी में उबाल लेना है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के आप उसको पी सकते हैं। ये होती है हल्दी की चाय। इसके पीने से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी चर्बी बढ़ती है, आपका जो वजन बढ़ता है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 9 से 10 के बीच में आप लोगों को डिनर कर लेना है, और डिनर आपका उसी प्रकार का होगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। आप कटोरी दाल और कटोरी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की रोटी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको काफ़ी कम मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। गेहूं के आटे में आप बाजरा मिला सकते हैं, चना मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करने से भी आपके शरीर के अंदर जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। उसके बाद रात में सोने से पहले आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। अजवाइन का पानी बनाने की जो विधि है, आप सुबह उठते ही आप अजवाइन को एक गिलास पानी में भिगो लीजिए। आप उसको दिन भर भिगो रहने दीजिए और शाम को आप उसको छान के अच्छी तरीके से निकाल लीजिए और उस पानी को आपको पी लेना है। तो दोस्तों ये तो थी थायराइड की डाइट। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार की डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने थायराइड की प्रॉब्लम को काफ़ी जल्दी कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो डाइट मैंने बताई है इसके इस्तेमाल करने के साथ साथ जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका भी इस्तेमाल आपको साथ में करना है। इन दोनों के एक साथ इस्तेमाल करने से ही आपके शरीर के अंदर जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी सही हो सकती है। दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके शरीर के अंदर थायराइड के हार्मोन का निर्माण काफ़ी कम हो रहा है, तो आपको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, कौन सी डाइट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम से बचने में और उसकी डाइट को समझने में अगर ये फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं अगर उनको भी थायराइड की समस्या है तो इस प्रकार की डाइट का इस्तेमाल करके वो अपने थायराइड प्रॉब्लम को काफ़ी जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आए तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं,
और भी किसी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।